बुरकुंडा लोकल सेल में भागीदारी सुनिश्चित करने को लेकर झारखंडी बेरोजगार संघर्ष मोर्चा कोयलांचल क्षेत्र की बैठक संपन्न। पतरातू प्रखंड के बुरकुंडा पंचायत सचिवालय स्थित सोमवार को झारखंडी बेरोजगार संघर्ष मोर्चा कोयलांचल क्षेत्र का लोकल सेल में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें झारखंड बेरोजगार संघर्ष मोर्चा के सभी सक्रिय सदस्य मौजूद रहे। इस बैठक में लोकल सेल से संबंधित कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की गई। इस सभा में उपस्थित सभी लोगों ने के सर्वसम्मति से 19 जनवरी को पीओ कार्यालय में पुनः ज्ञापन सौंपने का निर्णय लिया गया। वहीं इस मौके पर लोगों ने कहा कि सीसीएल प्रबंधन को कोयलांचल के प्रभावितों को लोकल सेल में भागीदारी एवं हक अधिकार देना होगा, अन्यथा मोर्चा बड़े रूप में आंदोलन करने को मजबूर होगी और चक्का जाम भी किया जाएगा। इसकी जिम्मेदारी प्रबंधन की होगी। बताते चले कि लोकल सेल चालू होने का प्रपोजल आते ही विभिन्न मोर्चों का आंदोलन तेज हो गया है और अपने अपने अधिकार को लेकर लोगों में चर्चा का बाजार पूरी तरह से गर्म हो चुका है। ऐसे में झारखंडी बेरोजगार संघर्ष मोर्चा भी पिछले 8 वर्षों से कोयलांचल के प्रभावितों का हक अधिकार दिलाने के लिए संघर्षरत है। पतरातू से जयकिशन पाठक की रिपोर्ट। विगत कई वर्षों से हम झारखंडी बेरोजगार मोर्चा कोयलांचल प्रभावित क्षेत्र से आते हैं और विगत कई वर्षों से हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं लोकल सेल की, लेकिन प्रबंधन द्वारा केवल हम लोग को आश्वासन दिया जा रहा है। आज तक हम लोग से न वार्ता किया गया है और न ही किसी तरह से हम लोग को रोजगार उपलब्ध कराया गया है। आज की इस बैठक में संगठन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि पुनः 19 तारीख को प्रबंधन को ज्ञापन देंगे और प्रबंधन द्वारा कोई आश्वासन नहीं मिला तो उग्र आंदोलन और धरना प्रदर्शन किया जाएगा। हम लोग इसीलिए बैठक किए थे क्योंकि लोकल सेल से हमारी बहुत दिनों से लड़ाई जारी है, चल रही है। झारखंडी बेरोजगार संघर्ष मोर्चा कोयलांचल क्षेत्र, हम सभी को यही कहना और यही चाहिए कि हम लोग बहुत दिन से लड़ाई लड़ रहे हैं, हम लोग को कुछ आज तक मिला नहीं, तो हम सब यही प्रबंधन से अपील करना चाहते हैं कि जल्द से जल्द हमारी मांगें पूरी की जाए और हम लोग को भी इसमें सहभागी दिया जाए।